सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है, और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एकाध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। आज सुबह सुबह है शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं सबसे पहली बात ये, और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं, और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है, और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली, जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है, और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं, क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे, और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है उस नेतृत्व की कोई शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व के तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व है उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का, लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए
और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई है। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है, और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है।